हाँ तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस पीछे यार सुन रहे हैं टक 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 की आवाज़ आ रही होगी, पीछे जैसी भी चल रही है, किसी घर तोड़ रही है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, मेरे पीछे वाले टायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। तो आज प्लान है इसको चेंज कराने का, इनको भी चेंज कराने जा रहा हूँ मैं। तो पिछवाड़े करवा रहा हूँ, आगे वालों तो मेरे की रिपोर्ट है, तो पिछवाड़े करवा रहा हूँ। तो देखता हूँ कैसे क्या खर्चा आता है चेंज करवाने में, बताते हैं आपको सब कुछ फिर चल के। लेकिन देखते हैं मायापुरी से बेस्ट होता है या नहीं। मायापुरी में तो यार मैंने सोचा टायर में ना साली चोर बाजारी बहुत है, पहले मैंने सोची थी चोर बाजारी नहीं कह रहा, मतलब नकली माल बहुत है और तुम्हें ऐसे पागल बना सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। पहले मैंने सोची थी मायापुरी में लगाने की, वीडियो इतनी देख ली थी सस्ते मैंने उसमें देखा था ना, तो फिर भाई ने मना कर दिया कि तूने पागल ऐसा बनाएगा, चाहे तू कितना भी समझदार हुआ टायर ने लेके, लेकिन ऐसा पागल बनाएगा समझ भी ना पाओगे। मगर चलो तो फिर अपना ही जाऊँगा सेक्टर 12 में, वहीं देखते हैं। आदेश आ रहा है उसकी 1:30 बजे क्लास ख़त्म होएगी, तो वो भी नहीं कर रहा, मैं भी चलूँगा साथ। उन्होंने अभी जीतू वाली गाड़ी में लगाया था 0005 नंबर से, फॉर्चुनर रहती है हमारे सब उसमें लगवाए थे, तो उसका चलो उसकी तो कई कहानी बताऊंगा। लेकिन चलो अभी इन्हें ले चलते, इसने लेके जाऊंगा, देखाते हो टायर वायर देखते कैसे क्या करे वो। चलो तो अब चलते हैं गाइस, देख लो नीलो आसमान हो रहा बिल्कुल। तो ये देखो अगला तो ठीक है, अब ये गंजा होगा, ये देखो बिल्कुल छपा सेट है। तो आज इनको गले से मिटाई दूंगा, एक तो हिचकी चल गई वरना कैसे के ये बोक रहा कि मैंने कुछ छोड़ जा रहा हूँ भाई साहब, एक हिचकी ने खा लिया है। चलो ओ भाई भभक रही गाड़ी बिल्कुल, फरवरी में ये हाल है, आगे आगे क्या होएगा गाइस पता ना भाई, इतनी गर्मी क्या चलेगी आगे आगे। देख लो भाई आधे इसको बैठा के लाया, और ये देख लो भाई इनने तो यहाँ पर खड़ी कर रखी है, पुराने जमाने की घोस्ट है या एंटम है, रोल्स रॉयस ही है बड़ी कुछ। तो मैं कद कह रहा हूँ कि वो है रोल्स रॉयस ही है वो, अब ये ना मेरा फैंटम है घोस्ट है कि है बड़ी किसको लो ये टायर देखना पड़ रहा, कौन सा देखी कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी की साइज भाई 17 है मारो, R265 R17 भाई, टायर लमने तो बेरो ना कैसे देखा जावे भाई, ये तो नया सा लग रहा है, सारे लाइन तो लग रहा है जो ये पुलिस मार्क ने अगर रख लगे, पुलिस मार्क ने अगर रखा है नया तो ये भी ना है, पुलिस मार्क ने अगर रखा है ये भी है ना। कोई अल्लाह भाई ये कर रहा है, देख लो भाई देखियो उनका देख के कर रहा है, और भाई अपने इसने बंद कर दे यार, ये लगवा लिया। तो गाइस अब टायर को काम करवा रहा हूँ गाड़ी में, अब टायर लगवाए थे उन्हें यार, ये कौन सा है MRF को, MRF ना लगा फॉर्च्यूनर में यहाँ पे भाई घिस दिया है, तो घुमा घुमाएंगे ये है ना, ये मेरी गल जब तक भी हो रहा है सारा उल्टा काम यही करवावे, इसने घुमाया मेरा टायर, इसने खत्म करवाए। अच्छा ज़्यादा मत बोले, तो कौन सी गाड़ी का है, इनोवा का है। अच्छा आप बोल लो को सचिन द्वारा भेज दे, कितना दे रहा है वाले, कितना भेज रहा है दे रहा भाई वाले, चारू 40,000 का है, 10 को एक है, थार को कितना को, थार का सस्ता है बोल लो तो कैसे,
सचिन तेनुका अपना अपना अलॉय बेच दे अपना काम करवाना था यार कद ना कद तो सब करवा दिए चारू ही ऐसा लगवा दिए डंगल का अपने डीजल डंगल का टायर है चारू आदेश अपना है खड़े हो टायर वाली गाड़वा दे जल्दी सी हमारा चल आज करवा दे वहाँ काम ने कैसे नमन है भाई ये बदल रहा है टायर अभी मेरे टायर निकल गए मेरे में लग जाए अलग गल टिकवा दें ओए अलग गल लगवा के वो कर दें छोड़ देना चल हम जो असली चीज़ है भाई दिखाओ स्कैम कर देंगे ना भाई बात नहीं लगाना चाहिए तो भाई ये देख लो नए टायर तैयार बिल्कुल जगह जग करवा दिए गाड़ी चारू बदलवा दिए पहले मैं पिछला दो बदलवा तो आदेश नुका भाई खर्चो कर रहा तो चारों के कर दे मगर चल तो चारों करवा देते हैं ठीक है यार। अपनी डाल काम भाई एक बार यार ठीक है गाड़ी तो मांगेगी खर्चा ठीक है भाई खर्चा जरूरी बड़े सुनने ला दो आगो आगो खर्चा थोड़ा सा अब दोबारा चलान में देखूंगा कैसी की फील आ रही है बबलिंग बबलिंग मारेगी तो इसके बेल व्हील बैलेंसिंग वगैरह करवा दूंगा सब अभी अपना सही चलेगा तो ठीक है होगा भाई चलूं मैं चला देख लो भाई गाइस नए टायर के साथ बरकवार खड़ी हो जाएगी और उन बगल लियो भी आगो आ जा जल्दी आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा जल्दी आ जा जल्दी आ हाँ तो भी गाइस अब घर पे बैठा हूँ शाम हो गई है और वॉलीबॉल भी खेलने जाना है बच्चे आ रहे हैं मैं लियो भाई तो अपने यहाँ बैठे हैं गेट पे बिल्कुल द्वार पे उसका भी टीचर आने वाला है उसका लगा दिया हमने टीचर तो आ जाएंगे पढ़ाने भाई वो 5:30 बजे ग्राउंड आता है देखो कब आएगा बाकी चलो अभी तो खेलने जाएंगे थोड़ी बहुत देर में अभी मम्मी ऊपर गई है मम्मी रिचार्ज है जब देखते हैं तो गाइस अब चलते हैं भाई खेलने वॉलीबॉल वहीं जा रहा हूँ ग्राउंड में बच्चा पार्टी सब आ गई है तो भाई चल के खेलते हैं मस्त मैच लगाते हैं चलो भाई गाइस देखो खेल का तो आगे बार और वहाँ जाके रिकॉर्ड करनी ही भूल गए भाई इतना बढ़िया गेम चल रहा था सीरियस वाला रिकॉर्ड करनी दिमाग में दिक्कत ही निकल गई भाई जाती इतना बढ़िया गेम चल रहा था मस्त हम खेला कम से कम 5-6 गेम खेला मस्त बढ़िया रहा अब तो लेकिन अब 7 बज रहा है अब घर आया हूँ तो अपना डिनर देने की तैयारी करते हैं एंड बाकी चलो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आप लोगों को भाई टायर का कैसे क्या रहा खर्चा वर्चा लगवाने चाहिए नहीं लगवाने चाहिए ऐसा कुछ एंड बताता हूँ चलो तो भाई गाइस देख लो अब यार ना आया हूँ मैं पहले तो फिर ना के अब डिनर विनर करा लियो को बाहर घुमा के लाया तो वापस आया हूँ तो अब बैठते हैं भाई अब आप लोगों को शेयर करता हूँ भाई कैसे क्या कितना क्या खर्चा आया गाड़ी में टायर में तो भाई ये टायर भाई मेरे चले हैं अभी मतलब मैंने ली थी उसके बाद बहुत ज़्यादा रिपटाई टायर तो ख़त्म 2 महीने से ज़्यादा दे रहे थे तो अब 3-4 हफ्ते तो उसने ऐसी तैसी कर रखी थी मतलब सुबह अलग टायर में हवा डलवानी पड़ती थी फिर शाम को फिर डलवा खड़ी करनी थी फिर सुबह दोबारा डलवानी पड़ती थी क्योंकि जो रात को डलवा खड़ी करता था सुबह तक डाउन टायर मिलते थे धरती मिट्टी के हुए तो अभी दो हफ्तों से चल रहे थे ये वाला तो पंचर भी दिखाया फिर पंचर वाला बोला भैया कहाँ पंचर ढूंढो इसमें बिल्कुल गंजे टायर है पंचर ही पंचर है इसमें कितने पंचर लगाऊंगा आप टायर चेंज करवा लो फिर मैंने जैसे तैसे अपना बजट बनाया मैंने घर वालों से ना लिया 1 रुपया भी 1 रुपया घर वालों से नहीं लिया खुद टायर लगवाए अपने खर्चे से लगवाए हैं टायर मैंने तो अभी मेरे लगे हैं 20,000 रुपये के चारों टायर नए टायर नहीं है मेरे सेकेंड हैंड टायर है लेकिन 80% बचे हुए हैं तो सही है 40-45 हज़ार किलोमीटर चल जाएगा ठीक है देख के लिया है जान पहचान की दुकान से लिया है
इसलिए लगवाया, नहीं तो सेकंड हैंड टायर भाई मैं रिकमेंड नहीं करता अगर आपका नोन नहीं है तो, क्योंकि इतनी चोर बाजारी है ना मार्केट में भाई साहब, कुछ भी कैसे भी दे सकते हैं आपको, उठा के गुड्डी कट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। गुड्डी कट तो आपको चारों टायर, मतलब चारों टायर एक टायर वो दो ढाई हज़ार या ऐसी दे देगा फॉर्चुनर के, तो मेरे डनलप के हैं चार टायर 20,000 का पड़ा है, ये चार टायर 24 का दे रहा था, फिर नॉन होने की वजह से चार चार थे तो इसलिए 20,000 का पड़ा है, तो 20 का लिया है। बाकी तो मैंने लगवा लिया भाई, जैसे तैसे अपने जोड़े थे पैसे, सेविंग्स में सेव किए थे, तो बस जैसे तैसे घर वाला दे था पैसा भाई, फिर जोड़ता गया और अपने लगाता गया, ठीक है। वापस आते मिना लिया पैसा मैंने, अब इसको मेन अगला खर्चा है सर्विस का, जो कि अभी है, उसका भी करूँगा जैसे तैसे करूँगा कर दूँगा कोई दिक्कत नहीं। तो चलो भाई गाइस, आप लोगों ने देख लिया भाई टायर का मैंने बता दिया भाई, मैं तो यही कहूँगा सेकेंड हैंड टायर लगवाते हो आप तो भाई अपने नोन से लगवाओ। मायापुरी में मैं एक दिन एक्सप्लोर करूँगा, ज़रूर करूँगा, शायद मेरी ऑडियंस भी देखना चाहिए भाई मायापुरी कैसा है। मैंने सोची थी मायापुरी से लगवाने की, लेकिन मायापुरी में भाई बहुत गंदी लूटपाट है और अच्छे से अच्छे आदमी को पागल बना सकते हैं वो लोग। आज ही मैंने पूरी मगज मारे करिए, पहले एक टायर दुकान पर गया फिर दूसरे के पे गया, तो वही बात थी भाई लगवा लिए अपने वो वाले ख़त्म ही कर दिए बिल्कुल। तो चलो तो भाई टायर का तो ऐसे ही देख लो गाइस, गाड़ी में टायर ठीक नहीं होंगे तो गाड़ी मतलब कहीं बीच में धोखा दे सकती है, फट भी सकते हैं टायर, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए भाई सेकेंड हैंड अगर लेते हो तो अपने नॉन वगैरह से ले, ताकि वो बढ़िया टायर लगा के दे आपको सेकेंड हैंड भी। ये टायर मेरे वो हैं जिस जो गाड़ी में अलॉय व्हील लगवा के ले गया, नया नए अलॉय व्हील लगवा के ले गया फॉर्चुनर में, तो वो उसने अब अलॉय के समय टायर दे दिए। आप लोगों ने शायद वीडियो में देखा होगा कि कोई मतलब ऐसे टायर नहीं के बनवाए हो या वैसे रखे हों, अलॉय में लगे हुए थे टायर, और अलॉय वाले ही उसने अलॉय रख लिए और टायर लगा के मेरे को दे दिए। वो कोई होगा कोई फॉर्चुनर वाला भाई, उसको लगा के दिए होंगे उसने 21 इंची 22 इंची जो भी लगवाए होंगे, 21 इंची तो खैर आते नहीं है, 20 इंची 22 इंची जो भी लगवाए दिए होंगे, लेकिन ये अलॉय तो वो टायर के साथ छोड़ गया। तो मैंने वो कह रहा तो भैया टायर भी ले लो मगना चाहिए, मतलब सॉरी अलॉय भी ले लो मगना चाहिए भाई, मैंने यही अलॉय अच्छा लगा इसका तो मैं अपना यही चलाऊँगा। तो चलो भाई गाइस, ज़्यादा बड़ा तो नहीं करते इस व्लॉग को, अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राम राम भाई साहब।